ये जो आप देख रहे हैं जो कैनन प्रिंटर है, आपको प्रिंटर नंबर भी देखा दे दूं, कैनन का G3010 प्रिंटर है। और इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको दिखाइए, ये पाइप है वो एरर हो गया, देखिए पूरा पाइप खाली दिख रहा है आपको। तो अभी इसको अंदर इंक कैसा सप्लाई करते हैं कोड मार के आप देखिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको देखना है कि इंक सप्लाई कैसे हो रही है, तो आपको लॉक के इधर यहाँ पे है कुछ लगा देना है, ताकि क्या है आपका जो प्रिंटर है वो घूमते वक्त भी दिखे। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा कागज का टुकड़ा लेके लगा देना है, इसी तरह से कुछ कागज का टुकड़ा लेके इसके अंदर लगा देना है। उसके बाद आपको नीचे की जो आपको है यहाँ पे जो पकड़ वाला जो स्टूल का दिख रहा है उसको प्रेस करना है, और आपको दस्त करना है। दस्त करने के बाद आपको कलर जेरोक्स निकाल दे वाला बटन प्रेस करना है, और आपका कुछ ऐसा रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाएगा, और आप देखेंगे तो प्रिंटर पूरा रन होना स्टार्ट हो गया है। आप देखिए जरा इंक कैसा पाइप में जा रहा है, देखिए इंक। तो इसी तरह से जो इंक है वो सप्लाई होती है, आप देखिए। कैनन प्रिंटर है जिसको इसका इंक का पाइप खाली हो जाता है, उसको पाइप को कैसे इंक पहुंचाए इस वीडियो में आपको पूरा दिखाया है, और प्रिंट क्वालिटी की भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम रेगुलर ऐसे वीडियो बनाते हैं प्रिंटर के रिलेटिव। देखिए अभी येलो, मजेंटा और शान तीनों इंक सप्लाई हो रही है। अब देखिए अभी जो शान का भी इंक अंदर सप्लाई हो रहा है। इसी तरह से कुछ प्रोसेस रहता है, 10 मिनट तक चलता है। तो अभी आप देखेंगे तो अभी का जो टाइमिंग है, छः बीस हुआ है, और देखते हैं कब तक ये प्रोसेस चालू रहता है। और वीडियो को मैं यहाँ पे थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो 10 मिनट का। अभी आप देख रहे हैं तो काफ़ी टाइम हो गया है, और आप अब देखेंगे तो बच रहे टाइम हो रहा है 6:28। तो करीब हम 10 मिनट होने को आया हो, और आप देखिए अभी सारे इंक है पाइप के अंदर सप्लाई हो चुकी है। आप देखिए इंक, पहले क्या पूरा एम्प्टी वाइट दिख रहा था, अभी चारों में चारों कलर आपको दिख रहे हैं। तो इसके बाद आपने जो ये है हटा देना है, क्योंकि आपको अभी तो कुछ करना है नहीं, तो रख दिया। अभी आप देखेंगे तो आपको डिस्प्ले भी रेडी दिखा रहे, देखिए। और अभी जो मैंने प्रिंटर में पहले दूसरा मशीन है उसमें निकाल के रखा था चारों कलर वाला मैप, तो ये रखा। उसके बाद एक कलर जरूर निकालते हैं। तो अभी ये स्कैनिंग होना भी स्टार्ट हो गया है। अगर आप किसी को भी कोई भी मशीन प्रिंटर रिपेयरिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब करिए टेक्निकल किसान यूट्यूब चैनल को। हम काफ़ी सारा प्रिंटर रिपेयरिंग का वीडियो इस चैनल पे अपलोड करके रखा है, तो आप सारे वीडियो देखिए, आप एक भी वीडियो मिस मैच ना करिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो। तो आप देखेंगे तो अभी जो चारों कलर है वो आ रहे हैं, क्योंकि जेरोक्स निकल उसकी वजह से थोड़ा ऐसा दिख रहा है, बाकी जो प्रिंट देंगे तो एकदम परफेक्ट आता रहेगा। अब देखिए जो चारों है कलर का प्रिंट है वो आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखे हैं, कुछ आपको जानकारी नहीं मिली है तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि हमारी जो भी नई प्रिंटर रिपेयरिंग की वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।